नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम भले ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को ही क्यों न छू लें, या फिर विश्व के हर देश के स्वर्णिम ख्वाब को साकार कर चांद पर ही क्यों न पहुंच जाए, लेकिन आज भी हमारा देश कुछ ऐसी कुप्रथाओं के न दिखने वाले भूत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, जिसके चलते आज भी हम विकासशील देशों की सूची से निकल विकसित देशों की सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। इस सब से भी जो आज देश के विकास के मार्ग को सबसे ज़्यादा बाधित कर रही है, वह है जाति व्यवस्था और दूसरा उसके मध्य पनप रही ऊंच नीच। ऐसा ही एक मामला शहर के मादली क्षेत्र से सामने आया, जिसे सुनकर आप भी विचारणीय स्थिति में आ जाएंगे कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए या नहीं। आपको बता दें कि संबंधित मादली क्षेत्र में रहने वाले समाज के लोगों के मध्य ही रहने वाले एक खटिक समाज के परिवार में बीते दिनों किसी की मौत होने का दुखद भरा समाचार सामने आया, जिसको लेकर हिंदू संस्कारों के अनुरूप आज तीसरे का कार्यक्रम था और उसी के तहत घर के पास ही जो भी मंदिर होता है वहाँ समाज जन जाते हैं और समाज नियमानुसार कर्म करते हैं। उसी के तहत समाज जन एकत्रित हो पास ही स्थित ठाकुर जी भगवान के मंदिर पहुँचे और मंदिर द्वार पर ताला लगा होने के तहत मंदिर द्वार की चाबी मंगवाने के लिए संबंधित मंदिर के समाज जन को मोबाइल पर बात की गई। इस संबंधित खटिक समाज के मौतबीर लोगों ने बताया कि हमें नीची और छोटी जाति का बताते हुए संबंधित समाज के लोगों ने मंदिर द्वार की चाबी देने से इनकार करने के साथ ही मंदिर में प्रवेश से भी इनकार कर दिया। संबंधित बात के सामने आने पर खपटीक समाज के लोगों में आक्रोश है। समाज के साथ घटित हुई घटनाक्रम से समाजजन की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात भी उन्होंने बताई। आज कानपुर गाँव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। आज दलित समाज हमारे खटीक समाज का कुटुंब था, हमारे बुजुर्ग परिवार में शांत है उनका, और रीति रिवाज के अनुसार खटीक समाज के सभी मौतबीर लोग गांव में ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। और वहां जाने के बाद पता चला कि वहां पर मंदिर के ताला लगा हुआ था। पुजारी और उनके परिवार से संपर्क करने पर पता चला कि चाबी एक दूसरे को पर डालने और नहीं देने का मानस बना रखा था। इसी बार इस आज के सभ्य समाज में इस तरह की घटना बहुत बड़ा एक सभ्य समाज पर कलंक है। आप देखिए कि कानपुर गांव उदयपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम बात करते हैं कि आजकल जातिगत भेदभाव मिट चुका है, लोग कहते हैं, पर आप आज 21वीं सदी में आप जब देखेंगे तो जातिवाद का एक भद्दा सा चेहरा आपको देखने को मिलेगा। खटीक समाज जो दलित समाज में से आता है, उनके लोग एक मृत्यु के कार्यक्रम में मंदिर पे केवल दर्शन मात्र करने के लिए जाते हैं। उदयपुर संभाग के सैकड़ों खटीक समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, जब मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे ताला लगा हुआ है। जब ताले की चाबी के लिए जब संघर्ष किया जाता है तो एक घंटा संघर्ष करने और मिन्नतें करने के बाद पुजारी से वो चाबी मिलती है, लेकिन जब गांव के प्रतिनिधियों से संपर्क किया जाता है कि क्यों खटीक समाज के लिए नहीं खोला गया, तो उनसे द्वारा कुछ स्वर्ण लोगों के नाम बताए जाते हैं कि उन्होंने बता रखा है कि खटीक समाज के लिए इनके दरवाजे, मंदिर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे। बड़े संघर्ष के बाद जब मंदिर खुला भी तो हमसे ये कहा गया कि आप सीढ़ियों से खड़े होकर ही दर्शन कर पाएंगे। इन सब के जो वीडियो सबूत है, जो बात की गई है वो, और हमारी प्रेस नोट, उन स्वर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने की ये कतिपय कारनामा किया है उनके नाम भी हमने प्रेस नोट पे दिए हैं। हम सारी ये जानकारी आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने रख रहे हैं और केवल प्रशासन से एक इंसाफ की गुहार कर रहे हैं कि क्या खटीक समाज को मंदिर में जाने का हक है या नहीं। अगर ये समाज को न्याय नहीं दे पाता है प्रशासन अगले एक या दो दिन में, तो हम लोग खटीक समाज एक उग्र आंदोलन उदयपुर में करें। धन्यवाद।